Hello, welcome to my class. Today we discuss about some important scientific name. ये आपका बुक में भी कुछ कुछ है, ठीक है, और कुछ कुछ जो आपका फ्यूचर में काम आ सकता है, 12th क्लास में आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक नेम मिल जाएगा, आपको 11th में भी ऐसा कुछ कुछ साइंटिफिक नेम मिल जाएगा, इसलिए आपको अभी से हम आपको बता दे रहे हैं जो जो आपका इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नेम है उसके बारे में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो जो हम आपको बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते रहिए। पहला आता है आपका मैंगो मोंगीफेरा इंडिका, ठीक है, क्या आता है आपका मैंगो मोंगीफेरा इंडिका। उसमें आपको प्रीवियस क्लास में आपको मैं सबका रूल के बारे में बता दिया था, क्या क्या उसका रूल वगैरह है, क्या क्या था। पहला तो रूल था आपका, ये क्या है आपका लैटिन वर्ड होना चाहिए, क्या वो वर्ड होना चाहिए, लैटिन वर्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हाँ कि नहीं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए ये क्या होना चाहिए आपका लैटिन वर्ड होना चाहिए। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कौन इंट्रोड्यूस किया था आपका कैरोलस लिनियस, हाँ कि नहीं, और ये आपका इटालिक में होना चाहिए, इटालिक लेटर में होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज आपको जो आप जो भी चीज आपको जो डिस्कवर हुआ जैसे मोंगीफेरा इंडिका उनको साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे लिनियस, तो उसका साथ साइंटिफिक नेम भी आप ऐड कर सकते हैं, साइंटिफिक नेम भी आपका ऐड हो सकता है, क्योंकि पहला वाला क्या हो गया आपका जेनस हो गया जिसको हम जेनस एपिथेट बोलते हैं, नेक्स्ट वाला क्या होगा स्पेसिस एपिथेट हो गया। तो जेनस क्या होता है आपका ऑलवेज कैपिटल लेटर रहेगा और स्पेसिस ऑलवेज स्मॉल लेटर रहेगा स्टार्टिंग का लेटर, ठीक है। तो आपका उसमें जेनस क्या होगा आपका कैपिटल लेटर का रहेगा और एंड स्पेसिस आपका क्या रहेगा स्मॉल लेटर का, ठीक। तो ये आपका लैटिन वर्ड होना चाहिए, इटालिक लेटर होना चाहिए, साइंटिफिक नेम आपका उसमें मेंशन कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपको नीट में क्वेश्चन पूछ दिया था, ऐसा दिया है पांथेरा लियो देन लिनियस करके एल आई एन एन करके लिखा था, जैसे इधर एल आई एन एन, तो उसमें बच्चे को पूछा था फाइंड आउट द करेक्ट वन, तो बहुत सारे बच्चे सोचे लिनियस का नाम है तो हम लोग जानते हैं मोंगीफेरा इंडिका, बस इतना लिनियस की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको रॉन्ग कर दिए थे। लेकिन एक्चुअली क्या है, जो भी साइंटिस्ट उसको आइडेंटिफाई किया है, जो भी साइंटिस्ट को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का तौर में उसको जो सिस्टमेटिक वे में जो सजा हुआ है वो साइंटिस्ट का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट है, ये आपका क्या है 100% करेक्ट है, ये आपका 100% करेक्ट, जो हम बोल रहे मैंगो को मोंगीफेरा इंडिका जो बोल रहे हैं यही आपका क्या है 100% करेक्ट है, विद साइंटिफिक नेम भी मेंशन होना चाहिए, क्लियर। क्विट को हम क्या बोलते हैं टिटिको मेस्टेबुम, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, आप उसको एक 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 के बाद एक लिखते जाओ आराम से। हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, हाउस क्रो कॉर्बोस प्लेंडर्स बोलते हैं, हाउस लिजर्ड हेमिडेक्टलस फ्लाविबिरिडिस बोलते हैं, इंडियन कोबरा नाजा नाजा बोलते हैं, लायन पंथरा लियो, टाइगर पंथरा टाइग्रिस, पीकॉक पाभो क्रिस्टाटस, पीजन कोलंबिया लिबिया, ठीक है। इस तरह चलते हैं हम, गार्लिक चौद्रक बोलते हैं, अलियोप सेटेबुम, गिंगर जिंगिबर ऑफिसिनली, ठीक है, सॉरी गार्लिक रसून होता है और गिंगर आपका अदरक होता है, कुकुम्बर कुकुमिस सेटिवस, गोभा सीडियम गोजाभा, लेमन सिट्रस लोमनियम, माइस जी माइस, ऑनियन एलियम सेपा, ऑरेंज सिट्रस क्यूरेंटिनियम, पोटैटो सोलानम ट्यूबरसम, रेडिस ये आपको बुक में भी है रेडिस, राफानो सेटिवस, टोबाको निकोटिन निकोटीना टोबाकम, इस तरह चलते एलिफेंट एलिफास मैक्सिमस, ब्लैक रेड राटुस राटुस, कैट फेलिस डोमेस्टिकस, डॉग कैनिस फेमिलारिस, हॉर्स आपका इकोस कैबालोस, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है जो कि आपका मेमोराइज होना चाहिए, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, ठीक है, थोड़ा उसको जूम करके आप उसको स्क्रीनशॉट ले जाओ, क्योंकि आपका ये डेली आपका लाइफ मतलब आपको बायोलॉजिकल स्टडी में कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं उसको इम्पोर्टेंट का तौर में रखा हूं एक एक के बाद एक, तो आपको ये चीज आपका माइंड में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि डॉग को हम कैनिस फेमिलारिस बोलते हैं, कैट को फेलिस डोमेस्टिकस बोलते हैं, टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस, लेमन सिट्रस लोमेनियम, कुकुम्बर कुकुम्बर सेटिवस, पोटैटो सोलानम ट्यूबरसम, ठीक है, ये सब आपका दिमाग में होना चाहिए, ऑनियन एलियम सेपा, तो उसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ले लिए, अब हम सीधा चलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, हम क्या जानते थे दो टाइप का चीज जानते थे, एक था जेनस और एक था स्पेसिस, हाँ कि नहीं।
अब हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो जानते थे, आपको मैं प्रीवियस क्लास में बताया था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन इंट्रोड्यूस किया था, हॉक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, है कि नहीं। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, स्पेसिस के साथ भी आपके सब स्पेसिस रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम ले आपका इंडियन क्रो को बोलते हैं, इंडियन क्रो, ठीक है, इंडियन क्रो, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बस स्प्लेंडन्स, 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 स्प्लेंडन्स। तो कार्बस हो गया जेनस, स्प्लेंडन्स हो गया आपका स्पेसिस, फिर स्प्लेंडन आपका सब स्पेसिस। तो ये किसका अंडर में आ रहा है, ये आपका आ रहा है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक। ट्राइनोमियल कार्बो स्प्लेंडन स्प्लेंडन, अगर मैं कार्बो स्प्लेंडन लिखूं तो बस जेनस स्पेसिस बाइनोमियल चले जाते, लेकिन और भी एक स्प्लेंडन में लिख दिया जो कि आपका क्या है, ये आपका सब स्पेसिस है, ये क्या है आपका सब स्पेसिस है। तो आपको क्लियर हो गया बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल का दोनों चीज क्लियर हो गया। बाइनोमियल में आपको टू चीज था, एक जेनस था, एक स्पेसिस था, लेकिन उसमें आपका क्या हो रहा है, तीन चीज आ रहा है, कार्बो स्प्लेंडन स्प्लेंडन मतलब सब स्पेसिस आ रहा है, तो ये आपको क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं जो आपको हम आज का जो मेन आपका टॉपिक है, सीधा हम बात करते हैं आपको टेक्सोनोमिकल एड्स, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, टेक्सोनोमिकल एड्स। तो टेक्सोनोमिकल एड्स जो है बेटा, ये क्या करता है, टेक्सोनोमिकल एड्स क्या हेल्प करता है, उसका क्या क्या बेनिफिट है, हाँ कि नहीं। तो टेक्सोनोमिकल जो एड्स है, पहले तो हम जानते हैं टेक्सोनोमिकल एड्स को हम क्यों यूटिलाइज करते हैं, हाँ कि नहीं। कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं यूज करें तो उसका तो कुछ तो बेनिफिट होगा ना। तो टेक्सोनोमिकल एड्स जो है आपका, ये क्या कर रहा है, ये आपका पहले तो बहुत सारे जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, मतलब आपका डाइवर्सिटी में जितना सारा ऑर्गेनिज्म है वो क्लासिफाई हो रहा है इजीली। आपको एग्रीकल्चर में भी यूज हो रहा है, हाँ कि नहीं, एग्रीकल्चर में यूज हो जा रहा है। और क्या हो रहा है, ये आपका फॉरेस्ट्री में भी आ रहा है। जैसे मान के चले कोई एक प्लांट है, हम जान नहीं जानते, हम अगर बोलेंगे चलो अफ्रीका का ये एरिया में वो प्लांट होना चाहिए, तो वहां का जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में अगर हम एक मंगाएंगे कि यहाँ आपको जो फॉरेस्ट में क्या क्या प्लांट है वो सबको हमको एक लिस्ट दीजिए, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं आपका फॉरेस्ट में प्लांट है कि नहीं। तो फॉरेस्ट्री में हेल्प हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, आपको कौन सा सीड लगाना है, आपको कौन सा प्लांट को ये करना है, ग्रो करना है, तो आपका एग्रीकल्चर में वो मेथड यूज हो रहा है कि नहीं। टेक्सोनोमिकल एड्स डायवर्सिटी में तो आ रही है, और आपको क्या हो रहा है, बायो रिसोर्सेस में भी यूज हो रहा है, बायो रिसोर्सेस जो आपको रिसर्च लाइन में भी आपका यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका टेक्सोनोमिकल एड्स है, अगर हम उसको अच्छे से देखेंगे तो टेक्सोनोमिकल एड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिए। कितना कैटेगरी में, दो कैटेगरी, एक है आपका लिविंग और एक आपका नॉन लिविंग कैटेगरी। अगर हम टेक्सोनोमिकल एड्स को, टेक्सोनोमिकल एड्स को हम कितना कैटेगरी डिवाइड कर लिए, ये एड्स आपका एक्वाफाइड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या है, लिविंग वर्ल्ड का एड्स है, टेक्सोनोमिकल एड्स, ठीक। तो आपका टेक्सोनोमिकल एड्स में हम उसको दो कैटेगरीज कर दिए, एक आपका है लिविंग कैटेगरीज, ठीक है, एक क्या है आपका लिविंग और एक आपका है नॉन लिविंग कैटेगरीज। तो लिविंग कैटेगरीज में आपका क्या आ रहा है, लिविंग कैटेगरीज में आपका आएगा, एक आएगा आपका बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन, और आएगा जूलॉजिकल पार्क। और नॉन लिविंग में क्या आएगा, हार्बेरियम, हार्बेरियम आएगा, और क्या आएगा आपका, आपका म्यूजियम आएगा, ठीक। तो लिविंग में क्या आ रहा है, बोटानिकल गार्डन आ रहा है, जूलॉजिकल पार्क, नॉन लिविंग आ रहा है हार्बेरियम और म्यूजियम। तो एक एक के बारे में हम पहले आपको डिस्क्राइब करेंगे, पहले हम चलते हैं हार्बेरियम। हार्बेरियम क्या है, कलेक्शन ऑफ हाउस है, हार्बेरियम क्या है आपका, एक कलेक्शन ऑफ हाउस है, ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा हार्बेरियम आपको, क्योंकि ये सब चीज आपको डेफिनेशन इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको ऑप्शन में दिया जाता है आइडेंटिफाई हार्बेरियम, ठीक है। तो हार्बेरियम क्या है, ए कलेक्शन ऑफ हाउस, ए कलेक्शन ऑफ हाउस वेयर और हियर प्रेजेंट ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट्स, ठीक। तो ए कलेक्शन ऑफ हाउस वेयर प्रेजेंट ड्राइड प्रिजर्व एंड सॉरी ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑफ प्लांट्स, ठीक है।
तो आपका हर्बेरियम क्या है, कलेक्शन ऑफ हाउस है जहां पे आपका बहुत सारा जो प्लांट है उसको क्या किया जाता है, आपको ड्राई किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है, उसके बाद उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम कैसे सीड रहता है बेटा, ऐसा एक सीड टाइप का रहेगा, ठीक है, सीड रहेगा जो कि आपको क्या होगा इधर 42 भी है कुछ कुछ बुक में, 42 सेंटीमीटर कुछ में 41 है हर्बेरियम सीड का जो लेंथ होता है, ठीक है। और इधर आपका कितना होगा, इधर आपका होगा 29 होगा। तो 42 और 29 सीएम का आपका हर्बेरियम सीड बनता है, जहां पर मान के चले जैसे आपका इधर में एक प्लांट के बारे में बोल रहा हूँ, कुछ भी प्लांट हो सकता है ये, ठीक है। आपका ऐसे प्लांट को ड्राइड करके, ठीक है, और उसको प्रेस करके आपको इधर हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो उसमें क्या क्या रहेगा, एक हर्बेरियम सीड का अंदर क्या रहेगा, डेट रहेगा, ठीक है, डेट। अब किस दिन उसको कलेक्ट किया था वो नाम रहेगा आपको, वो डेट रहेगा, प्लेस रहेगा कहाँ पे आप कलेक्ट किए थे, उसके बाद क्या रहा? जो कलेक्ट किया है कलेक्टर का नेम रहेगा, जो बंदा उसको ये किया है प्रेस करके उसको प्रिजर्व किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसका साइंटिफिक नेम रहेगा, उसका लोकल नेम रहेगा, उसका बोटानिकल नेम रहेगा, ठीक है। तो बोटानिकल नेम साइंटिफिक नेम एक ही है तो हम उसको बोल सकते हैं उसका इंग्लिश नेम रहेगा। तो उसका डेट रहेगा, मेंशन होगा, प्लेस मेंशन होगा कहां से और कौन कलेक्ट किया था, उसका नाम मेंशन होगा, इंग्लिश नाम रहेगा, उसका लोकल नेम रहेगा, बोटानिकल रहेगा और उसका फैमिली रहेगा। तो इतना सारा चीज आपको एक हर्बेरियम सीट में मेंशन होना चाहिए, तब जाके आपका ये वेल आपका हर्बेरियम सीट में काउंट हो सकता है, ठीक है। तो हर्बेरियम सीट से भी हमको पता चल जाता है ये प्लांट जो है हमारा ये पहले से हो, मतलब उसका ऑलरेडी वो मतलब हमारा जो बायोडायवर्सिटी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसका क्या है, जो बहुत सारा आपका जैसे मतलब जो एंडेंट स्पेसिस बोलते हैं जो ऑलरेडी आपका हम लोग अभी नहीं देख पा रहे वो सबको भी हम हर्बेरियम सीट में प्लांट को हम आराम से हर्बेरियम सीट में डाल सकते हैं। हर्बेरियम सीट के बाद हम अभी चलते हैं म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में आपका बहुत प्लांट एंड एनिमल्स का आपका हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो इसमें प्रिजर्व और कंजर्व दो अलग अलग चीज, प्रिजर्व क्या है आप उसको मतलब आपको एक मतलब उसको आप सीक्वेंस वाइज आप उसको शो करने के लिए ऑडियंस को शो करने के लिए आप उसको रख पा रही। कंजर्व क्या है, कंजर्व आपका लिविंग चीज में होता है कंजर्व। जैसे मान के चले आपका एक टूथ को ब्रेक हो गया तो वो टूथ को आपको एक मतलब डेंटिस्ट के पास जाकर आप उसको कंजर्व कर सकते हैं, मतलब उसका जो ब्रेक पार्ट है आप उसको फिर से ज्वाइंट कर सकते हैं, तो वो कंजर्व पार्ट होगा। तो आपका कोई लिविंग चीज में वो हो सकता है। कंजर्व कहां पे होता है, एक लिविंग चीज में, लेकिन प्रिजर्व कहां पे होता है, एक नॉन लिविंग चीज में होता है। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, कंजर्व कहां पे होगा, कंजर्व, ठीक है। तो उसके लिए एक ब्रांच है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री करके। तो कंजर्व आपका होगा लिविंग का चीज केस में और प्रिजर्व कहां पे होगा आपका नॉन लिविंग का केस में, ये चीज को थोड़ा ध्यान देना। और उसका जो सीट का ये पिछले आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है कि आपका सीट का साइज कितना है, तो कुछ कुछ केस में 29 ये आपका फिक्स है, कुछ कुछ में 41-42 दिया है, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा 29-41 भी सही है, 29-42 सीएम ये भी आपका सही है, ठीक है। तो बस एक नंबर वेरी कर रहा है। तो उसके बाद म्यूजियम में हम क्या बोले आपको, प्लांट भी रहेगा, एनिमल भी रहेगा, हाँ कि नहीं। आप देखे होंगे आपको जो म्यूजियम में आप अगर जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे जार टाइप का है, उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स प्लांट रहेगा, ठीक है। और आपका जार का अंदर आपको अगर आप लैब में जाएंगे बायोलॉजिकल लैब में उसमें देखना आपको फॉर्मालिन रहता है प्रिजर्व करने के लिए, बहुत टाइम तक लेंथी टाइम को प्रिजर्व कर रखने के लिए फॉर्मालिन रहता है कि नहीं। तो इसे आपको जार मिलेगा, नहीं तो आपको इंसेक्ट का ऐसे बॉक्स रहेगा, इंसेक्ट का ऐसे बॉक्स मान के चलो स्टारफिश में ये कर रहा हूँ तो आपको ऐसे बॉक्स टाइप का रहेगा जिसमें आपको ऐसे ये हो पाएगा, ठीक है। तो आराम से उसको फॉर्मालिन में भी रख सकते हो, इंसेक्ट को रखने के लिए इंसेक्ट बॉक्स रहता है, ठीक है, म्यूजियम वगैरह में। तो आपको ये सब थोड़ा बहुत जानकारी है। अब हम सीधा चलते हैं आपका बोटानिकल गार्डन। तो बोटानिकल गार्डन जो है आपका ये क्या है, आपका बोटानिकल गार्डन जो है, बोटानिकल गार्डन, तो बोटानिकल गार्डन आपका है एक्सिटू प्रिजर्वेशन। क्या है आपका, एक्सिटू प्रिजर्वेशन, एक्सिटू प्रिजर्वेशन। तो एक्सिटू प्रिजर्वेशन क्या है बेटा, एक्सिटू प्रिजर्वेशन मतलब जो एक बाहर आउटसाइड में वो प्लांट है उसको लाके हम एक परफेक्ट एरिया में ग्रो करा रहे हैं, तो इस टाइप का जो प्रिजर्वेशन को क्या बोलते हैं, एक्सिटू प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई एक आपका मेडिसिनल प्लांट है वो आपका हिमालय में ग्रो कर रहा है, लेकिन उसको लाके हम कहां रखेंगे, हमारा जो बोटानिकल गार्डन है, जैसे आपका इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है, तो वहां पर लाके हम उसको ग्रो करा रहे हैं, तो आपका एक
परफेक्ट एरिया मतलब सुटेबल एरिया में हम अगर ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, जो आपका सुटेबल प्लांट्स हो, तो वो आपका जो प्रिजर्वेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिड्यू प्रिजर्व, वो आपका इकोलॉजी पार्ट में 12th में हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो एक्सिड्यू प्रिजर्वेशन आता है बोटानिकल गार्डन, आपको क्वेश्चन राइट पूछा है नीट में, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा बोटानिकल गार्डन क्या है, आपका एक्सिड्यू प्रिजर्वेशन का अंडर में आ रहा है। तो बोटानिकल गार्डन जैसे आपका इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है, आपका बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका उसका बाद जो आपका इंडियन सॉरी नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम क्या बोलते हैं एनबीआरआई, ठीक है। तो ये आपका कहां पे है, लखनऊ पे है, ठीक। और आपका क्यू जो इंग्लैंड है, ये आपका यहाँ, ये आपका जो नेशनल बोटानिकल जिसे लखनऊ में है, और आपका जो क्यू इंग्लैंड दिया हुआ है बुक में, ये आपका क्या है, ये भी आपका मतलब बोटानिकल गार्डन बहुत लार्ज वो एरिया में वो फैला हुआ है, ठीक है, इंग्लैंड में, क्यू इंग्लैंड में। उसके बाद आपका जो नेशनल बोटानिकल हावड़ा में है, ये आपका एशियन जो हमारे एशियन कंट्री का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन में आता है। तो आपका बोटानिकल गार्डन में हो गया। अब हम चलेंगे आपका जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क जैसे आपका उड़ीसा में नंदनकानन हो गया, ठीक है, बहुत सारा आपको जूलॉजिकल पार्क मिल जाएगा। तो जूलॉजिकल पार्क का आपका क्या है, वन टाइप ऑफ एक्सिटू प्रिजर्वेशन है, क्योंकि एनिमल्स का हैबिटेट को जानने के लिए, उनका बिहेवियर को जानने के लिए, ठीक है, उनको कैसे आपका रिप्रोड्यूस करते हैं वो सब चीज को जानने के लिए हम ऐसे एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं वहां का, जो बाहर का कोई एनिमल को हम वहां पे सुटेबल एरिया में रख सके। लेकिन वहां आपका अगर कोई एक आपका एक बहुत सारा बड़ा फॉरेस्ट है, वहां पे अगर आपका लायन घूम रहा है, आपका टाइगर घूम रहा है, तो वो आपका एक बायोस्फीयर है, ठीक है ना। लेकिन ये बायोस्फीयर और जूलॉजिकल पार्क अलग है। जूलॉजिकल पार्क क्या है, आप वो चीज को एक सुटेबल प्लेस में रख रहे हो जहां पर उनका ब्रीडिंग कर पा रहे हो, जहां पर उनका हैबिटेट को देख पा रहे हो, ठीक है, उनका बिहेवियर को स्टडी कर पा रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क में हम क्या करते हैं, उनका बिहेवियर को स्टडी करते हैं एनिमल का, उनका हैबिटेट को देखते हैं, ठीक, उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं, हैबिटेट देखते हैं, उनका ब्रीडिंग, ठीक है, ब्रीडिंग को हम ये करते हैं मतलब उसको ये स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपको एक सुटेबल एनवायरमेंट में हम ये सब एनिमल को लाके रख देते हैं, जूलॉजिकल पार्क हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका बुक में दिया हुआ है जिसको हम मोनोग्राफ बोलते हैं। मोनोग्राफ में क्या होता है, कोई एक एरिया का स्पेसिस का नेम जानने के लिए मोनोग्राफ यूज करते हैं। स्पेसिस का नेम आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेसिस नेम आइडेंटिफाई इन ए पर्टिकुलर एरिया, इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या है आपका, मोनोग्राफ हो गया, ठीक है। देन आपका आते हैं मैनुअल्स, आते हैं मैनुअल्स आता है। मैनुअल्स क्या होता है आपका, मैनुअल्स आपका टोटल आपका प्लांट और एनिमल जो भी है आपका, ठीक है, वो अगर प्लांट के बारे में एनिमल के बारे में जाने के लिए इन्हें गिवेन एरिया में, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैनुअल्स यूज करते हैं। उसका मैनुअल्स का जैसे आपका कैटलॉग भी होता है, आप लोग अगर मान के चलो घर का कुछ कलर वगैरह होता है तो कैटलॉग यूज होता है, ठीक है। तो इस टाइप का सब एक ही फॉर्मेट में आता है, मैनुअल्स, कैटलॉग, ठीक है। और एक आपका है, अब बुक में आपको दिखने मिल जाएगा, फ्लोरा। फ्लोरा क्या है आपका, फ्लोरा है एक प्लांट का, ठीक है, प्लांट का ऑल प्लांट बोल सकते हो, ऑल प्लांट का कैसे, ऑल प्लांट अगर आप इन ए गिवन एरिया में होंगे, ठीक है, इन ए गिवन एरिया, पर्टिकुलर एरिया, अगर प्लांट का गिवन एरिया में अगर आपको कुछ जानने का मन कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोरा का बारे में जानना पड़ेगा। आपको बुक में नहीं है, और एक चीज में बोल देता हूँ, उसको फोना बोलते हैं, फोना। तो फोना क्या होता है, आपको जैसे ऑल प्लांट जैसे ऑल एनिमल्स का बारे में जानने के लिए, ऑल एनिमल इन ए गिवन एरिया, कुछ पर्टिकुलर एरिया में जाने के लिए जो आपको यूज होता है वो क्या होता है, फोना होता है। तो ये आपका जो टेक्सन जो आपको वेराइटी टाइप ऑफ आपका अलग अलग डाइवर्सिटी जो हमारा है 1.7 आपका जो मिलियन आपका स्पेसिस है उसको सब जानने के लिए अलग अलग हम क्या करते हैं, ये सब चीज को हमको यूज करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिकल हेड्स बोलते हैं। तो आपको क्लियरली मैं सब चीज के बारे में बता दिया, आप और एक बार आप बुक को पढ़ लेना एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो जो भी आपका डाउट होगा वो आप नीचे मेरे सेशन में डाल दो। फिर हाँ, और एक चीज हम आपको भूल गए हैं, जब हम ये जो सब रख रहे हैं कहाँ पे, जो आपका
जो सीट को, हर्बेरियम सीट को जो हम रख रहे हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक वाइज वो जो आपका जो फॉर्मूला फॉलो होता है वो आपका किसका फॉर्मूला रहता है, बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम फॉलो करते हैं, किसका, बेंथम एंड हुकर का, ठीक है, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन हम आपको नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे, आपका न्यू टॉपिक आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, बेंथम एंड हुकर ये साइंटिस्ट है दोनों, बेंथम एंड हुकर, तो इनके क्लासिफिकेशन का हिसाब से आपका क्या होता है, हर्बेरियम सीड्स का, आपका जो हर्बेरियम जो सीड्स है, ठीक है, उसको हम अरेंजमेंट करते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का बेस्ट में, ठीक है। तो आपको ये हम सब कुछ बताएंगे, बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है, आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल्स में बताएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपका ये उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, बुक को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।